खलारी प्रखंड में कांग्रेस के द्वारा पूर्व घोषित कार्यक्रम में देश में लगातार बढ़ रहे डीजल पेट्रोल के मूल्य वृद्धि के खिलाफ खलारी प्रखंड कांग्रेस के तत्वाधान में खलारी प्रखंड अध्यक्ष राजेश सिंह मिंटू के नेतृत्व में खलारी पेट्रोल पंप के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया गया। मौके पर राजेश सिंह मिंटू ने अपने संबोधन में कहा कि जहां एक तरफ कोरोना महामारी के कारण पूरे देश में मंदी और बेरोजगारी चरम सीमा पर है, वहीं देश में लगातार केंद्र की मोदी सरकार पेट्रोल डीजल के मूल्य में वृद्धि किए जा रही है। इसका सीधा असर आम नागरिकों पर पड़ रहा है। सभी खाद्य सामग्री के दाम बढ़ते जा रहे हैं और जनता त्रस्त हो चुकी है। वहीं विरोध प्रदर्शन के दौरान राजेश सिंह मिंटू ने केंद्र सरकार से मांग किया है कि पेट्रोल डीजल पर लगाए गए टैक्स को घटाते हुए बढ़ती हुई मूल्य वृद्धि को कम किया जाए। आज अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आह्वान पर और झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर झारखंड में और पूरे देश में आज पेट्रोल डीजल के मूल्य वृद्धि के खिलाफ कांग्रेस पार्टी का धरना प्रदर्शन हल्ला बोल कार्यक्रम जारी है। लॉकडाउन का पालन करते हुए सारे नियम कानूनों का पालन करते हुए हम लोग अपने कार्यकर्ताओं के साथ सीमित मात्रा में आज पेट्रोल डीजल के मूल्य वृद्धि के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग मांग करते हैं कि जितना भी दाम हम लोगों को बढ़ाया गया है और जो यूपीए सरकार के समय में जिस अनुसार दाम थे उस दाम को वापस करके उस लेवल पर लाया जाए, जिससे कि आम जनता जो त्रस्त हो रही है इस कोरोना काल में, सारे लोग गरीब गुरबा बैठे हुए हैं और इस तरह से हम लोगों को त्रस्त किया जा रहा है, इसका हम लोग पूरा जोर विरोध करते हैं। वहीं डकरा स्थित पेट्रोल पंप में कांग्रेस नेत्री इंदिरा देवी के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन कर केंद्र के सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। कांग्रेस नेत्री इंदिरा देवी ने कहा कि लोग कोरोना महामारी से मर रहे हैं और दूसरी तरफ केंद्र सरकार लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी कर लोगों को महंगाई से मारने का काम कर रही है। वहीं विरोध प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की तथा केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, पेट्रोलियम मरते मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी के आदेशानुसार और हमारे प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव जी के आदेशानुसार सभी पेट्रोल पंपों में पेट्रोल डीजल के दाम को कम करने की वृद्धि को लेकर के प्रदर्शन आज करने का आदेश हुआ है। उसी आदेश के अनुसार आज हम इस सभी डकरा पेट्रोल पंप पर एकत्रित हुए हैं कांग्रेस पार्टी के बैनर तले। आप लोग जानते हैं कि आज कोरोना महामारी के वजह से पूरे देश में, पूरे राज्य में महामारी के वजह से लोग मर रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, हॉस्पिटल में अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है, लेकिन ऐसे में एक तरफ लोग गरीबी बेरोजगारी से मारे जा रहे हैं, भूख से मारे जा रहे हैं और ऐसे में लगातार नियंत्रण सप्ताह सप्ताह पेट्रोल डीजल के दाम में वृद्धि हो रही है। मैं माननीय मंत्री मोदी जी से आग्रह करती हूँ कि पेट्रोल डीजल के दाम को कम कर किया जाए, वरना यदि वो कम नहीं करते हैं तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा जब तक पेट्रोल डीजल में वृद्धि कम नहीं की जाती है। कर्जा में डूबल है किसान, जानत रहे हर इंसान, बंद रहे हर जवान, चुप रहे हर इंसान, कृषि मंत्री राह दिखा ले, 50,000 कर्जा, 1 रुपया में माफ़